सभी को नमस्कार। आज फिर हूँ मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहाँ कोई व्यक्ति राजा नहीं बनना चाहता था। जी हाँ, इसलिए क्योंकि उस गांव के लोगों ने एक शर्त रखी थी, जो व्यक्ति राजा बनेगा 5 साल के बाद उसे पास वाली पहाड़ी से नदी में धक्का दे दिया जाएगा। एक दो लोगों ने साहस भी किया, लेकिन वो हमेशा मानसिक तनाव में रहने लगे और उनका जो राज्य का कार्यकाल था जो राजा बनने के दौरान, उन्हें कुछ भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा ये भय सताता रहता था कि 5वें साल मुझे धक्का दे दिया जाएगा और मेरा सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति, सामान्य सा व्यक्ति, गांव वालों के समक्ष आया, बोला कि मुझे राजा बनना है। गांव वालों ने कहा कि भाई, तुझे शर्त तो मालूम है कि राजा बनने की शर्त क्या है? उसने कहा, हाँ मुझे शर्त मंजूर है। गांव वालों ने कहा, फिर भी सोच लो आप, ऐसा पुराने अनुभव अच्छे नहीं रहे राजाओं के। उसने कहा, नहीं मुझे शर्त मंजूर है। गांव वालों ने उसके राज्याभिषेक की तैयारियां की, राजा बन गया वो। राजा बनने के दौरान उसने गांव वालों का इतने अच्छे से पालन पोषण किया, सभी के दुख दर्दों को दूर कर दिया, सारी प्रजा एकदम खुश सुखी रहने लगी। सारे लोग सोचने लगे कि हमने कैसी शर्त रख दी है, हम इतने अच्छे राजा को खो देंगे। 4 साल बीत गए इस खुशनुमा कार्यकाल के, 5वीं साल आती है, रोज लोगों में अंदर अंदर एक डर जागृत होने लगा कि हम अपने इतने अच्छे राजा को खो देंगे। 6 महीने बचते हैं, लास्ट का 1 महीने बचता है, लोगों की भीड़ लगने लगी राजा से मिलने की, क्या किया जाए कि हम आपको राजा हमेशा बनाए रखे। लेकिन उस राजा के मन में इतनी सी भी सिकंद नहीं थी। ग्राम सभा बुलवाई गई कि क्या अपन अपना निर्णय नहीं बदल सकते, इस शर्त को नहीं बदला जा सकता। तो गांव वालों में कुछ लोगों ने विरोध किया कि नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये शर्त नहीं होती तो ऐसे बहुत सारे लोग राजा बनने को तैयार थे उस समय, तो शर्त तो माननी ही पड़ेगी। आखिरी 7 दिन बचे, लोग रो रहे थे, सबके मन में एक व्याकुलता थी कि हम अपना इतना अच्छा राजा खो देंगे। लेकिन राजा के मन में इतनी सी भी सिकंद नहीं थी। आखिरी दिन आता है और इस बार कुछ अलग होता है। पहले तो लोग राजा को लेने पहुंचते थे, इस बार राजा बाहर आके खुद खड़ा हो जाता है और मुकुट साइड में रख देता है कि चलो कहां चलना है, आज्ञा दें आप लोग कि किस पहाड़ी पे चलना है। लोग अंदर ही अंदर रो रहे थे, उनका मन नहीं मान रहा था कि हम एक इतने अच्छे राजा को, जिसने पिता के समान हम सबका पालन किया, कैसे उसे पहाड़ी से धक्का मारेंगे। फिर भी शर्त थी तो उसे ले जाया गया और पहाड़ी पर पहुंचता है। इस दृश्य को बहुत सारे लोग देख नहीं पा रहे थे। कुछ लोग तो वापस आ गए कि मैं एक ऐसे राजा को कैसे धक्का मारते हुए देख पाऊंगा। लेकिन राजा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, फिर भी साहस किया लोगों ने और राजा को धक्के से, पहाड़ी से धक्का मार के नीचे गिरा दिया। नदी बहुत गहरी थी। उस दिन लोगों का ऐसा अनुभव था, उन्हें लग रहा था कि उनका सब कुछ चला गया हो। वो एक ऐसे राज्य में रहने की आदत डाल चुके थे जहां उन्हें हर चीज की सुविधा थी, उनके हर दुख दर्द का ख्याल रखा जाता था, उनके हर अच्छे के लिए प्रयास किया जाता था। लेकिन राजा को दुख क्यों नहीं हुआ? राजा ने इस शब्द को आसानी से क्यों स्वीकार कर लिया? राजा को जब धक्का दिया जा रहा था तो राजा को घबराहट क्यों नहीं हुई? पता है क्यों? क्योंकि राजा ने उन 5 सालों में तैरना सीख लिया था और नदी के उस पार जैसा इसका यहां महल था, उससे भी विशाल महल का निर्माण करवा लिया था। और 5 साल में वो जिस क्षमता के साथ प्रजा का पालन कर सकता था, उसने उस प्रजा के लिए वो सब कुछ किया। उसके पास सिर्फ संतुष्टि थी, उसके पास जीवन भी था, और वो नदी में तैर के उस साइड चला जाता है और आलिशान महल में अपना जीवन का निर्वाह करता है। ऐसा होता है ना हमारे जीवन में भी, कि जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है तो हम उस बुरे समय का इंतजार करने में क्यों निकाल देते हैं? हम वो अपनी क्षमताएं, हम वो अपनी सिक्योरिटी क्यों नहीं बना लेते हैं कि अगर वो बुरा समय आएगा भी तो हम उसका सामना कर सकेंगे? पहले के राजाओं ने क्या किया? पहले के राजाओं ने 5 साल तक उस बुरे समय का इंतजार किया
और 5 साल भी वो कुछ नहीं कर पाए और आखिर में उनको नदी में जब धक्का दिया गया तो वो मर गए। लेकिन इस राजा ने क्या किया, इस राजा ने 5 साल जो सबसे अच्छा कर सकता था वो किया, अपनी क्षमताओं को विकसित किया, उस शर्त को जानते हुए उस प्रतिकूल समय पे कैसे सामना करना है उसकी तैयारी की। हमें भी यही करना चाहिए, जब जीवन में हमारा अनुकूल समय चल रहा हो तो हमें प्रतिकूल समय का या उस बुरे वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें अपनी क्षमताएं विकसित करना चाहिए, हम इस समय जो कर सकते हैं वो बेहतरीन तरीके से करना चाहिए और अपने आप को उस प्रतिकूल समय का सामना करने के लिए तैयार कर लेना चाहिए। बिल्कुल, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हम जीवन में बुरे वक्त का इंतजार ना करें। हो सकता है कि जो आपकी विपरीत परिस्थिति आपके सामने आने वाली है वो आज आपकी अच्छी जो परिस्थिति है, अगर आप इसका सदुपयोग कर लें तो वो विपरीत परिस्थिति विपरीत ही ना रह जाए, उसको आप पूरी तरह से भी बदल सकते हैं। तो हम सब इसे कर सकते हैं।